ठीक है। अब देखो इसको आइडियली आपको इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। पहले तो आपको पता है ना पाई का मतलब क्या होता है, 180। तो आप देखो अगर ये पाई 180 है और 180 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर, 8 से 2 4 जाए 2, 9 जाए 18, 0 2 जाए 4, 2 4 जाए 2 5 जाए, बेसिकली 45 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आप मान तो 22.5 आएगा। पाई बाय 8 का मतलब इन टर्म्स ऑफ डिग्री क्या है, 22.5। थोड़ा सा ध्यान से देखो, और आपने ये भी देखा कि 180/4 में एक जगह वैल्यू आपको क्या दिखाई दी थी, 45 है। मैंने आपको ये कहा कि भैया पाई बाय 8 का मतलब तो रेडियन एंगल है, इसको अगर मैं डिग्री में चेंज करता हूँ क्या करूंगा, 180/पाई करूंगा, पाई से पाई कट जाएगा तो 180/8 आ जाएगा। 188/8 का मतलब हो गया 22.5 डिग्री, जिसको आप लिख सकते हो 45/2, मानते हो ना भाई। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 22.5 डिग्री का मतलब 45 का हाफ है, 45 का हाफ। तो क्या मैं 10π/8 को, क्या मैं 10π/8 को ऐसे लिख सकता हूँ, 10π/4, पाई बाय 4 का मतलब 45 और डिवाइडेड बाय 2, लिख सकता हूँ मैं ऐसे, लिख सकता हूँ ऐसे। इसका मतलब इट इज इक्वल टू 10θ/2, इट इज इक्वल टू वॉट, 10θ/2 हो गया, यह थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यस और नो, यही कह रहे हो आप। अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 10θ/2, 10θ/2 किसके इक्वल होता है बोलो, 1 cos θ/2 अपॉन 1 cos θ/2, और साथ में क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है, और क्या होता है, प्लस माइनस होता है। 10θ/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इस वैल्यू के इक्वल होता है। अब थीटा जो है आपका, नॉट θ/2, थीटा, थीटा 1 cos θ अपॉन 1 cos, ये था ना हमारा, कैसे बना था फिर से बता देता हूं। हमने लिखा था 2 sin²θ/2 इज इक्वल टू 1 cos, फिर आपने क्या लिखा था, 2 cos²θ/2 इज इक्वल टू 1 cos θ, अगर यहाँ पर हाफ है तो यहाँ पर वन हो, वन और हाफ का कॉम्बिनेशन चलता है, ये याद है। फिर आपने डिवाइड किया, से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया था 10²θ/2, और इक्वल टू में क्या हो गया था, 1 cos θ अपॉन 1 cos θ हो गया था। ये स्क्वायर जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो 10θ/2 क्या हो गया था, प्लस माइनस √1 cos θ अपॉन 1 cos θ, कुछ याद आ गया। अब थीटा की वैल्यू क्या है हमारे केस में, 45। क्या मैं बोल सकता हूँ 10θ/2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 cos 45 डिग्री अपॉन 1 cos 45 डिग्री, यस और नो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब ये हो जाएगा 10θ/2 प्लस माइनस cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, यस और नो, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 + 1/√2, पर ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो क्या आप एग्री करते हो इस चीज से कि 10θ/2, 10θ/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, देखो √2 × 1 क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको लिखू √2 - 1/√2 अपॉन √2 + 1/√2, यस और नो, क्लियर हो गया, ठीक है। ये कुछ वैल्यू आपकी इस तरह से आ गई, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो, तो 10θ/2, 10θ/2 क्या मैं डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर दूं, इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, √2 - 1/√2 + 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, रैशनलाइज, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, √2 - 1 और √2 - 1, ये क्लियर हो गया। अब आगे देखो, तो ये हो जाएगा आपका 10θ/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा √2 - 1 होल स्क्वायर कौन क्या हो जाएगा, √2² - 1² √2² - 1², ये क्लियर हो गया। तो 10θ/2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, √2 - 1,
हो जाएगा, रूट टू माइनस वन। रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, वन का स्क्वायर, टू माइनस वन वन हो गया, ये क्लियर हो गया आपको, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप ये देखो कि थीटा की वैल्यू क्या थी, पाई बाय। तो अगर मैं थीटा की जगह पाई बाय फोर पुट करता हूँ और अपॉन में टू, जिसको आप लिखोगे टू बाय वन, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट टू माइनस वन। क्या आ रहा है, प्लस माइनस रूट टू माइनस, ये क्लियर हो गया। अब टू बाय वन का अगर रेसिप्रोकेट करोगे तो टेन पाई बाय एटी तो बन जाएगा, बन जाएगा, यही तो फाइंड करना है। क्वेश्चन ये आता है कि प्लस माइनस, अब आप ये देखो कि भैया पाई बाय फोर का मतलब आपने कहा 22.5 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा नहीं आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। प्लस माइनस में से कौन सी वैल्यू लोगे, क्यों लिखा आपने ऐसा, बिकॉज पाई बाय एट लाइज इन, पाई बाय एट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय एट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हेंस इट विल बी हेंस 10 पाई बाय 8, हेंस वैल्यू ऑफ 10 पाई बाय 8 इज पॉजिटिव। अब देखो रूट टू की वैल्यू 1.41 समथिंग होती है ना, तो पॉजिटिव ही तो आएगी। क्लियर हो गया क्यों ऐसा होगा, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बताओ, दोबारा एक्सप्लेन करो, क्लियर है। हाँ जी क्लियर है, समझ में आ गया, सोच क्या है उन्हीं चीज क्वेश्चन को करने की।